उत्तराखंड राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष रमेश गोस्वामी हरिद्वार जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सर्वप्रथम ज्वालापुर में पदाधिकारियों से भेंट कर वार्ता की, जिसमें कांग्रेस पार्टी की मजबूती पर चर्चा के साथ साथ पदाधिकारियों के जमीनी स्तर से रणनीति बनाकर कार्य करने के दिशा निर्देश दिए गए। नवभारत समाचार हरिद्वार उत्तराखंड से फिरोज अहमद। दीवार बनती है ना, तो कहीं ना पूरी ईंट नहीं लगती, तो वहाँ क्या ईंट को तोड़ कर काट के भी लगाते ना, लेकिन उससे उस ईंट का महत्व कम नहीं होता, क्योंकि जब वो ईंट लग जाती है दीवार पूरी। लेकिन अगर हम अपने आप को जान गए और अपने आप को महत्व देते हैं तो दुनिया भी हमें महत्व देती है। ऐसा नहीं रहता कि भैया कोई देगा तभी हमारा महत्व होता। मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे पहले विधायक बनवा के रहूंगी, बहुत बहुत बड़ी मेहनत हो रही है, लगे रहो तुम भविष्य के विधायक हो, टेंशन मत लो, सारा मैं टिकट दे दूंगा। गाने की तैयारी कर रहा हूं। गाने की? गाने की। अच्छा, मैंने कहा गाना तो मैं गाता हूँ। चर्चा करते रहो। चर्चे का खर्चा बहुत है, खर्चा कौन देगा, चर्चा तो कर लेंगे। तेरे कान में रुई घुसी हुई है, एक आदमी नहीं है। हरिद्वार पहुंचने का मकसद है अपने साथी कार्यकर्ताओं से मुलाकात, संगठन को लेकर चर्चा विस्तार, और आगे की जो रूपरेखा रहेगी 2022 को देखते हुए उस पर हम अपने जिला अध्यक्ष और महिला अध्यक्ष जो हैं हमारी और महानगर अध्यक्ष जो हैं हमारे, इन सबके साथ हमारी आज शाम को चर्चा होगी, और कल जो है पूरे हरिद्वार के हमारे कार्यकर्ताओं से मिलने के कुछ कार्यक्रम भी हैं जो हमारे जिला अध्यक्ष ने निर्धारित किए हैं। उसमें हम नए लोगों को कांग्रेस के साथ और इंटक के साथ, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के साथ जोड़ेंगे। उसी सिलसिले में हमारे 3-4 प्रोग्राम जो है हमारे जिला अध्यक्ष ने यहाँ रखवाए हैं, उसी के लिए मेरा आना हुआ है यहाँ पर। देखिए, जैसे कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री पूर्व माननीय हरीश रावत जी कहते हैं कि जब परिवार बड़ा होता है तो कई बातें होती हैं, कई बार विचार अलग अलग होते हैं, तो कोई विरोध वाली बात नहीं है। सभी जानते हैं कि हरीश रावत जी जो हैं हमारे प्रदेश के ही नहीं देश के भी बहुत बड़े नेता हैं, सभी उनका सम्मान करते हैं, सभी उनसे प्यार करते हैं, और जो चर्चा है या अटकलें हैं वो बहुत जल्दी साफ हो जाएंगी, क्योंकि हमें ये पूरी उम्मीद है कि 2022 का चुनाव जो है माननीय श्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, और उसी के साथ सारी अटकलें बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। सर, कांग्रेस का भविष्य क्या होगा आने वाले समय? कांग्रेस का भविष्य अच्छा है, हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारी सारी विंग्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, बड़े नेताओं का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। सबसे बड़े नेता जो हमारे हैं माननीय हरीश रावत जी, उनसे अक्सर हमें जो है नेतृत्व मिलता रहता है हमारी सारी टीम को, और सभी उनकी बात मानते हैं, सभी उनकी इज्जत करते हैं, और आगे भी वो जैसी रूपरेखा या हाईकमान दिल्ली से जो तैयार करेंगे या हमारे बड़े नेता जो तैयार करेंगे उसी पर कांग्रेस काम करेगी, और मैं आपको निश्चित तौर पर विश्वास दिलाता हूं कि 2022 में हम सरकार बनाएंगे।